हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करने वाले हैं राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2021 कौन और ये किस पोस्ट के लिए भर्ती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कांस्टेबल और ड्राइवर पोस्ट के लिए, मतलब कि पोस्ट का नाम क्या है, कांस्टेबल के लिए भर्ती निकाला गया है और ड्राइवर के लिए होमगार्ड है, इसके लिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है होमगार्ड के लिए निकाला गया है। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, जैसे कि हमने लिख रखा ऑनलाइन अप्लाई होगा। और ये इसका जो क्वालिफिकेशन है हमें यहाँ पे हम खुद ही बता देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रखे हैं हमने आठवीं पास, तो आठवीं अगर आप पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आठवीं पास है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया अप्लाई है, आप राजस्थान स्टेट से हो या फिर अदर कोई भी स्टेट, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, कोई भी स्टेट से हो तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और मेल और फीमेल, मतलब कि महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। उस वीडियो में कितने टोटल पोस्ट कितने रखे गए हैं, एज लिमिट क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सारा कुछ डिस्कस कर देंगे इसी वीडियो में, तो आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और सारे, जैसे कि हमने लिख रहा है, सारे ही डाउट क्लियर एक ही वीडियो में, तो इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने वाले इस भर्ती के रिगार्डिंग। चलो दोस्तों, एक बार आप लोग स्टार्ट करने से पहले कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। और मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि कोई भी छोटा बड़ा अपडेट हो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप जरूर ऐड हो जाएगा, क्योंकि वहीं पर हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं टाइम टू टाइम, सो वहाँ पर आप जरूर ऐड हो जाइएगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार और स्टार्ट करते हैं। हम आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पे, वहीं पे सारा कुछ डिस्कस कर देते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हम लेके आ चुके हैं आपको, ये 21 पेज का पीडीएफ है, मतलब कि नोटिफिकेशन आया है, तो यहाँ पे आप पूरा ये पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत से बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा इसमें क्या क्या दिया गया, क्योंकि पूरा का पूरा 21 पेज का ये है, कितना 21 पेज का है ये नोटिफिकेशन, तो इसलिए हम आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे लेकर चलते हैं, वहीं पे सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पे जाना है और सर्च कर क्या करना है, सर्च कर लेना है sarkaririzult.com। सरकारी रिजल्ट भी सर्च करिएगा, आपको ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको स्क्रोल करके नीचे आना है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नेम ऑफ पोस्ट राजस्थान होमगार्ड कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म 2021, मतलब कि ये कांस्टेबल पोस्ट के लिए और ड्राइवर पोस्ट के लिए, जैसे कि हमने पहले ही आपको थंबनेल पे दिखा दिया क्या किस पोस्ट के लिए निकाला गया है भर्ती। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं होमगार्ड डिपार्टमेंट राजस्थान, यहाँ पे आप पूरा कुछ पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन ये हम आपको दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे दिया जाए इंपॉर्टेंट डेट्स में, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन बिगिन 24/11/2021, मतलब कि 24 तारीख से ये फॉर्म आपका अप्लाई शुरू हो चुका है और लास्ट डेट इसका जो होने वाला है, इसका जो लास्ट डेट है वो 15/12/2021, मतलब कि दिसंबर में 15 तारीख तक आपका ये फॉर्म चलेगा, मतलब कि आप भर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट जो आपका है फरवरी 2022 में दिया गया है, फरवरी 2022 में, तब फरवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जो जनरल के लिए और अदर स्टेट के लिए 500 रुपये चार्ज किया गया है, जनरल से है या फिर अदर स्टेट से कोई भी हो, आप ओबीसी से हो, एसटी से हो, अदर स्टेट कोई भी होगा, 500 रुपये आपका लग जाएगा। अगर आप राजस्थान स्टेट से हैं तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और SC ST के लिए आपका कितना लगने वाला है, 400 रुपये लगने वाला है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन करना है। इसमें मिनिमम एज रखा गया है 1/1/2002, अगर आपका 1/1/2000 डेट ऑफ बर्थ है, 2002 डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर 1/2 हो जाएगा, 2002 होगा तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा बता देते हैं, मेल के लिए जो रखा गया है 1997, मतलब कि 2/1/1 मतलब कि पहला महीना, और 1997 से लेके आप 1/1/2002 मतलब कि 1/1/2002 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब इनका इनके बीच, मतलब 1/1/2002 और 2/1/1997 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ये सिर्फ मेल के लिए बता रहे हैं, अब बता देते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए क्या है, तो फीमेल के लिए आपको भरना है कितना डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि 2/1/1992, जैसे वहाँ पे दिया 2/1/1997, तो यहाँ पे दिया गया है 2/1/1992, 2/1/1992 और लास्ट डेट जैसे रखा गया है, मतलब डेट ऑफ बर्थ का 1/1/2002, 1/1/2002, तो
इनके बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और बाकी जो आपका एज का रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है और एसटीएससी से जो होगा उनको 5 साल का छूट मिलता है एज रिलैक्सेशन। और यहाँ पे टोटल पोस्ट जो रखा गया है 135, जैसे कि 135 पोस्ट के लिए भर्ती निकाला गया है, तो यहाँ पे आप पूरा कुछ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 111 पोस्ट के लिए भर्ती निकाला गया है कांस्टेबल के लिए। और कांस्टेबल बिगुलर एंड ड्रममैन, कांस्टेबल बिगुलर के लिए 2 पोस्ट और कांस्टेबल ड्रममैन के लिए 2 पोस्ट, मतलब कि टोटल 4 पोस्ट के लिए भर्ती यहाँ पे निकाला गया है। और इनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है 8वीं पास है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, जैसे आप पहले नौकरी करते थे, तो आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल है, मतलब कि ये भर सकते हैं। अगर 8वीं पास भी है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 20 पोस्ट का भर्ती निकाला गया है, इसमें भी 8वीं पास है और आपको एक्स सर्विसमैन है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए कांस्टेबल ड्राइवर में। तो टोटल जो हो जाते हैं 135 पोस्ट के लिए भर्ती निकाला गया है। अब बात कर लेते हैं जैसे इसमें हाइट वगैरह का क्या दिया गया है। अगर मेल से हैं, मेल है तो हाइट में 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। चेस्ट में 81 से 86 मेल के लिए रखा गया है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है। उसके बाद जो रनिंग का कैटेगरी है, मतलब कि रनिंग का जो है 5 किलोमीटर 25 मिनट में मेल के लिए और 5 किलोमीटर 35 मिनट में फीमेल के लिए रखा गया है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो भी है आपको यहाँ पे दिखाई मिल जाएगा, जैसे कि हमने नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दिया है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जरूर ऐड हो जाएगा। इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप तो कॉमेंट बॉक्स में आस कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे नंबर पर नंबर है 7563830146, इस पर मैसेज करिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अदर वैकेंसी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।